एक भगवान आकर के देता क्या है? भगवान के पास क्या चीज है जो देने की है? जानकारी। ज्ञान ही तो है, जानकारी ही तो है। जो सत्य है वो सत्य ही तो देगा। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, तो ट्रुथ गॉड फादर आकर के क्या देगा? जिसके पास जो होगा वो ही देगा। चोर के पास चोरी के गुण होंगे, तो उसके संग के रंग से जो भी कोई लेना चाहेगा तो क्या लेगा? अब चोरी के संस्कार ही लेगा। विद्वान के पास विद्वता होगी तो विद्वता की बातें देगा। माने जो जैसा होगा वो वैसा ही दूसरों को देगा और बनाएगा। भगवान सत्य को कहा जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही कल्याणकारी शिव है, और जो कल्याणकारी है सत्य है वही सुंदर है। कोई भी चीज देखने में कितनी भी सुंदर लगती हो, कोई भी व्यक्ति देखने में कितना भी सुंदर लगता हो या लगती हो, लेकिन अगर उसमें सच्चाई नहीं है और दूसरों का कल्याण करने वाला नहीं है, या कल्याण करने वाली नहीं है, सदैव अकल्याण करने वाली है, तो ऐसी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं। भले सुंदरता के ऊपर आकर्षित होकर के कोई अल्पकाल के हुए लिए आकर्षित हो जाए, लेकिन बाद में उसकी आंखें खुलती हैं, ये तो हमने बहुत बुरा किया। इसलिए सत्य को गॉड फादर कहा जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, तो सत्य को पहचाना माने गॉड फादर को पहचाना। तो पहले आता है सत्य, सत्य माने सच्चाई, सत्य की जानकारी, जानकारी अर्थात ज्ञान। पहले भगवान नहीं आता है सामने, क्या ज्ञान आता है। कोई किसी को सुना दे भगवान आया हुआ, चलो दिखा दे, हैं भगवान आया हो, चलो देखे जाके। तो भगवान तो ज्योति बिंदु है, वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, गर्भ से जन्म ही नहीं लेता, तो इन आंखों से कैसे देखने में आ जाएगा? इन आंखों से भगवान नहीं पहचाना जा सकता। काहे से पहचाना जा सकता है? ज्ञान से। तो पहले ज्ञान सुनाया जाता है। बेसिक कोर्स है 7 दिन का, एडवांस कोर्स है 7 दिन का। अगर किसी की बुद्धि में आ जाता है, बैठ जाता है, तो फिर प्रोसीजर है कि जाकर के भगवान के घर में ही उन बातों की तफ्तीश करो, वेरीफाई करो कि हमने जो भी मनुष्यों से सुना है वो सच्चा सुना है या झूठ सुना है। वेरीफाई हो जाए फिर पक्का निश्चय बुद्धि बनी जाएगा। ऐसी पक्की निश्चय बुद्धि बनी हुई आत्मा भगवान बाप का बच्चा बन जाती है। ज्ञान में दिव्य जन्म होता है, स्थूल जन्म नहीं है। ब्राह्मणों का भी दिव्य जन्म गाया हुआ है, ब्राह्मणों का कोई गर्भ से जन्म नहीं होता। हाँ, दो तरह के ब्राह्मण होते हैं, कोई कुख वंशावली होते हैं, कुख माना गोद से प्यार करने वाले, शरीर से प्यार करने वाले, और कोई ब्राह्मण होते हैं मुखवंशावली, मुख से जो वाणी निकलती है उस वाणी के आधार पर अपने जीवन को परिवर्तन करने वाले। तो जो मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, उनको फिर एडवांस कोर्स दिया जाता है। एडवांस कोर्स लेने के बाद फिर 7 दिन की भट्टी में उनको पकाया जाता है। कहाँ पकाया जाता है? जो भी भगवान बाप के प्रत्यक्ष होने का स्थान है वहां उसको पकाया जाता है। दुनिया में भी कोई आत्मा शरीर छोड़ती है फिर बाप का बच्चा बनती है, तो क्या करना पड़ता है? आत्मा एक जगह शरीर छोड़ करके बाप के घर में जाके जन्म लेती है ना। जन्म लेकर के पहले गुप्त बाद में प्रत्यक्ष होती है, गर्भ में गुप्त रहती है और बाद में
जन्म लेती है तो प्रत्यक्ष होती है। यहाँ भी ऐसे ही है, 7 दिन की भट्टी पूरी कर, वो कोर्स पूरा करने के बाद आत्मा 7 दिन जाकर के भट्टी में पकाई जाती है। ये आत्मा रूपी ईंटों की भट्टी है, कोई जरूरी नहीं है कि जितनी भी ईंटें हैं वो सब फर्स्ट क्लास होकर के निकलेंगी। भट्टी में ईंटें पकाई जाती हैं तो ज्यादातर ईंटें अव्वल नंबर निकलती हैं, फिर उससे कम तादाद की द्वयम नंबर निकलती है और तीसरे नंबर की भी निकलती है और जली हुई ईंटें भी निकलती हैं। ऐसे यहाँ भी आत्मा रूपी ये ईंटें हैं जो 7 दिन की भट्टी में पकाई जाती है, पकने के बाद फिर वो निश्चय बुद्धि हो जाती है। निश्चय बुद्धि माना जन्म लिया, और अनिश्चय बुद्धि माना मृत्यु हो गई। भगवान बाप को जिन्होंने पहचान लिया, जान लिया कि कैसे इस सृष्टि पर आकर के पार्ट बजाता है, तो वो हो गया निश्चय बुद्धि। और संग कुसंग के रंग में आकर के अगर उसको भूल गया और उसकी पढ़ाई को छोड़ दिया, उसकी वाणी सुनना छोड़ दिया, उसके चलाई हुई चाल चलना छोड़ दिया, तो जैसे अनिश्चय बुद्धि हो गई। अनिश्चय बुद्धि माना मृत्यु हो गई। तो यहां भी जन्म भी होता रहता है, मृत्यु भी होती रहती है। हाँ, अमरनाथ बाप के जो बच्चे बन जाते हैं वो फिर अमर ही रहते हैं।